प्रियंका चोपड़ा सलमान खान के साथ भारत में नजर आने वाली हैं। हाल ही में खबर आई थी कि फिल्म भारत की शूटिंग सलमान खान शुरू कर चुके हैं। वहीं अब खबर है कि प्रियंका चोपड़ा इस फिल्म से जुलाई में जुड़ेंगी और जुलाई से ही फिल्म की शूटिंग शुरू करेंगी। प्यार का पंचनामा सीरीज फेम नुसरत भरूचा गायक आतिफ असलम के म्यूजिक वीडियो में नजर आने वाली है। आतिफ असलम के साथ नुसरत भरूचा के गाने का नाम बारिश बताया जा रहा है। ये एक रोमांटिक सॉन्ग होगा जिसकी शूटिंग अमेरिका में होगी। काजोल ने हाल ही में सिंगापुर में मैडम तुसाद म्यूजियम में अपने वैक्स स्टैच्यू लोगों के सामने पेश किया है। अजय देवगन ने इसी स्टैच्यू के लॉन्च का एक वीडियो पोस्ट करते हुए काजोल की चुटकी ली है और लिखा कि मिली शांत काजोल से अजय का ये पोस्ट बहुत पसंद किया जा रहा है। करण जौहर का आज बर्थडे है। यश चोपड़ा के बाद रोमांस के बादशाह माने जाने वाले हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के बेहद टैलेंटेड डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने कई शानदार फिल्में दी हैं और लाखों लोगों के दिलों पर राज किया है। बॉलीवुड सेलेब्स के साथ उन्हें फैंस लगातार बधाई दे रहे हैं। हाल ही में खबर आई थी कि संजय लीला भंसाली एक बार फिर से रणवीर सिंह और दीपिका के साथ फिल्म बनाना चाहते हैं, लेकिन अब खबरों की माने तो संजय लीला भंसाली अपनी अगली फिल्म में इन दोनों स्टार्स के साथ नहीं बल्कि किसी दूसरी जोड़ी की तलाश कर रहे हैं। सोर्सेस का कहना है कि संजय अब इस जोड़ी से कुछ दिनों के लिए ब्रेक लेना चाहते हैं। ऋतिक रोशन की क्रिश 4 की एक्ट्रेस को लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। अब खबरों के माने तो दीपिका पादुकोण बतौर एक्ट्रेस अप्रोच की गई हैं। दरअसल राकेश रोशन इस फिल्म के लिए ऋतिक के साथ फ्रेश जोड़ी चाहते हैं, लिहाजा दीपिका पादुकोण इस लिस्ट में सबसे ऊपर चल रही है। आठ साल बाद एकता कपूर किसी फिल्म की पर्सनल स्क्रीनिंग रखने जा रही हैं। अब वो आठ साल बाद वीरी दी वेडिंग की पर्सनल स्क्रीनिंग की योजना बना रही हैं। एकता ने ट्वीट करके इसके बारे में जानकारी दी। आठ वर्षों में पहली बार मैं अपनी फिल्म की पर्सनल स्क्रीनिंग रखने जा रही हूँ, जो मैं कभी नहीं करती। पिछली बार मैंने द डर्टी पिक्चर की स्क्रीनिंग रखी थी। संजय दत्त की बायोपिक संजू के ट्रेलर की रिलीज डेट का ऐलान हो गया है। राजकुमार हिरानी की ये मोस्ट अवेटेड फिल्म संजू का ट्रेलर 30 मई को रिलीज होगा। इसमें रणबीर कपूर दिग्गज अभिनेता संजय दत्त की भूमिका में है। वही संजू का नया पोस्टर भी रिलीज कर दिया गया है, जिसमें रणबीर कपूर के साथ सोनम कपूर भी नजर आ रही हैं। कहा जा रहा है कि ट्रेलर के रिलीज होने तक रोज फिल्म की टीम ऐसे ही फिल्म के पोस्टर रिलीज करेगी। हॉलीवुड एक्टर और फिल्म मेकर मॉर्गन फ्रीमैन पर आठ महिलाओं ने शारीरिक शोषण के आरोप लगाए हैं। महिलाओं का आरोप है कि मॉर्गन ने काम के दौरान उन्हें गलत तरीके से छुआ और उनके शरीर व कपड़ों को लेकर भद्दे कमेंट भी किए। वहीं मॉर्गन ने अपने इस व्यवहार के लिए माफी मांग ली है। उन्होंने माफी मांगते हुए कहा कि जो मुझे जानता है या जिसने भी मेरे साथ काम किया है वो ये बात जानता है कि मैं ऐसा इंसान नहीं हूं जो जानबूझकर किसी को असहज महसूस करवाऊं। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था।